हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज टेंजेंट नॉर्मल की आखिरी क्लास। इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल खत्म, फिर हम मैक्सिमम मिनिमा करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको भी खत्म करके फिर हम नए चैप्टर इंटीग्रेशन पर आएंगे। ठीक है, तो आइए आज लास्ट टेंजेंट नॉर्मल की आखिरी क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपको कर्व दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। कह रहा एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कह रहा कि बताओ कि टेंजेंट जो है वो कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले द गिवन कर्व इज, हाँ जी बच्चों, कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये बनेगा पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम। हाँ जी, एक्स स्क्वायर पावर आगे एक कम, वाई स्क्वायर पावर आगे एक कम, लेकिन वाई का क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स भी तो बनेगा टू, एक्स का क्या बनेगा वन और थ्री का क्या बनेगा जीरो। तो ये आ गया टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अब हमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो कैसे करें भाई, सबको उठा के उधर ले जाओ। तो ये टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का टू इधर आके प्लस, प्लस का टू इधर आके माइनस का टू एक्स, ठीक है। अब ये टू वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा। अब क्या करो, टू कॉमन ले लो, वन माइनस एक्स अपॉन में टू वाई, टू से टू कैंसिल, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन माइनस एक्स अपॉन वाई, कितनी आई, वन माइनस एक्स अपॉन वाई। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है कि भाई ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हमें हमें क्या बोला गया है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही बोला गया है। और जब ये बात होती है तो आपको अच्छे से पता है कि जो स्लोप होता है वो जीरो के बराबर होता है, यही होता है क्योंकि ये वाई का स्लोप है, ठीक है। तो बस ये बन जाएगा ऐसा जीरो, ये डिवाइड कर रहा वहां जाके मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा जीरो बन जाएगा, एक्स यहाँ माइनस का इधर आके प्लस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो अब हमें चेक करना है कि अगर एक्स की वैल्यू वन है, अगर एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू क्या होगी। तो बस क्या करेंगे भाई, इसमें पुट कर देंगे, पुट एक्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स की जगह पे वन, वाई हमें पता नहीं, एक्स की जगह वन माइनस थ्री बराबर जीरो। तो ये वाई वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री बराबर जीरो। तो वाई स्क्वायर प्लस वन, हाँ जी प्लस वन, और टू और थ्री माइनस के, तो माइनस के फाइव बराबर जीरो। तो वाई स्क्वायर माइनस का फोर बराबर जीरो। अब बच्चों माइनस का फोर इधर आके प्लस का, अब क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बाहर निकलेगा, प्लस माइनस टू क्या जाएगा, प्लस माइनस टू क्या जाएगा बच्चों, प्लस माइनस टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर वन है तो वाई की वैल्यू टू। सो द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या बना, एक तो वन और टू और एक बना वन माइनस टू, ये दो पॉइंट बने बच्चों, क्योंकि वाई की दो वैल्यू है प्लस में और माइनस में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, फिर इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए बच्चों आओ शुरू करते हैं, पॉइंट निकालना शुरू करते हैं। इसमें भी पॉइंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 18 में, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन है बहुत प्यारा, ये बात की गारंटी है।
क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या बोला बच्चों आपसे, फॉर द कर्व, यानी आपको कर्व दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है बच्चों, टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो बताइए कि आखिरकार इसके कौन कौन से पॉइंट आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो आओ पता करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 4x³ - 2x⁵। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, ये बन जाएगा 4³ - 12x² हो जाएगा 5² - 10x⁴। यही बन जाएगा पावर, आगे एक कम, सब बच्चों को डेरिवेटिव तो आता ही है, ठीक है। अब हम बोलेंगे सो द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, ये मान लेना कि भाई पॉइंट जो है वह क्या है आपका, एक्स और वाई पॉइंट है, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों लेना पड़ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन नहीं दी है हमें कि पैरेलल है, या कोई पहले से ही हमें ना स्लोप दिया हुआ है, ना ही पहले से हमें कोई कंडीशन दिया हुआ है पैरेलल की या परपेंडिकुलर की। तो ना परपेंडिकुलर का केस है, ना पैरेलल का केस है, ना ही गिवन स्लोप है, तो तीनों में से कुछ भी नहीं गिवन है, क्योंकि तीनों में से परपेंडिकुलर गिवन हो, या तो पैरेलल गिवन हो, या तो कोई स्लोप गिवन हो। अगर ये तीनों चीजें बच्चों गिवन है तब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब गिवन नहीं है तो हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। बस हमें एक ही चीज पता है कि भाई ये ना ओरिजिन से जा रही है, तो ओरिजिन से जा रही है ना, तो हम इक्वेशन में जाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द पॉइंट एक्स वाई। तो भाई क्या बड़ा एक्स बाय द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द पॉइंट एक्स वाई थ्रू द ओरिजिन, कहां से जा रहा है भाई, ओरिजिन से जा रहा है। तो y माइनस में y m x माइनस में वो बड़ा x माइनस में x, ठीक है। अब ये बच्चों गुजर कहां से रहा है, x y पॉइंट है इसके लिए, लेकिन पास कहां से कर रहा है, ओरिजिन से, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, और ये y तो ऐसे ही रहेगा। m m क्या होता है, स्लोप, कितना आया हुआ है 12x² - 10x⁴, और x भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा जीरो ये वाला x और ये वाला y, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि टेंजेंट ना ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन ये दोनों पॉइंट हमें निकालने हैं, ये दोनों पॉइंट क्या करने हैं हमें निकालने हैं, तो ये बन गया माइनस वाई 12x² - 10x⁴ माइनस का x। तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12x³ - 10x⁵। तो ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों ध्यान से समझना, ना हमारे पास पैरेलल की कंडीशन, ना हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन, और ना ही हमारे पास किसकी कंडीशन, स्लोप के कोई गिवन स्लोप हो, तीनों में से कोई कंडीशन नहीं दी गई है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को पहले एक जैसा बनाएंगे, और एक जैसा बनाने के बाद कंपेयर कर देंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कंपेयर करने पर देखेंगे कि भाई ये वाला वाई है इतना, जबकि ये वाला वाई है इतना, ठीक है। ठीक, तो एक काम करो, उठा के सबको इस तरफ ले आओ, 4x³ - 2x⁵ -12x³ + 10x⁵ बराबर जीरो। हाँ भाई, 10 में से 2 जाएगा 8x⁵, 12 में से 4 जाएगा -8x³ बराबर जीरो। 8 भी कॉमन आ रहा है, x³ भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x² - 1 बराबर जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8x³ को जीरो के बराबर, x² - 1 को जीरो के बराबर, 8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। अरे किसी का क्यूब भी तो जीरो ही होगा, ये x² - 1 उधर जाके प्लस, स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट,
और रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस वन। तो बच्चों एक्स की तीन वैल्यू आई, एक्स की कितनी वैल्यू आई, तीन वैल्यू, एक बार जीरो और एक बार प्लस माइनस वन, तीन वैल्यू आई, एक बार जीरो, एक बार प्लस वन, एक बार माइनस वन। और अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करना है, पुट एक्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, बस बात खत्म। तो एक बार पहले पुट करोगे एक्स बराबर जीरो तो वाई कितना आ जाएगा, जब एक्स जीरो पुट करोगे तो भाई वाई भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो ही आएगा। तो वाई भी आपका क्या आया, जीरो। अब क्या पुट करोगे, एक्स बराबर वन तो वाई कितना आ जाएगा, फोर वन का क्यूब टू वन की पावर फाइव, तो फोर वन का क्यूब वन होता, वन की पावर फाइव भी वन ही होता, तो आंसर आ गया वाई बराबर टू, यानी एक पॉइंट आ गया वन टू, एक पॉइंट आ गया जीरो जीरो। नाउ अब क्या पुट करोगे, पुट एक्स बराबर माइनस वन तो वाई बराबर फोर की पावर माइनस वन का क्यूब टू माइनस वन की पावर फाइव, तो ये तो हो गया माइनस का फोर, ये हो जाएगा माना माना प्लस का टू, तो ये आ गया माइनस का टू। तो भाई सो द पॉइंट्स आर, सो द पॉइंट्स आर, क्या क्या पॉइंट बने, जीरो जीरो, वन टू और माइनस वन माइनस टू, ये पॉइंट बने बच्चों। ठीक है, नोट करो। ये तीन पॉइंट बने, ठीक है नोट करो, फिर 20th भी करा देता हूं। चलो बच्चों अगला देखते हैं, ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20th कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, आज टेंजेंट नॉर्मल का अंतिम दिन है, इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल खत्म पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, ठीक है जी करते हैं शुरू, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, सबसे पहले द गिवन कर्व इज, हाँ जी बच्चों, तो कर्व क्या दिया हुआ हमें, ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो पहले, तो ए वाई स्क्वायर मतलब पावर आगे एक कम, ये पावर आगे एक कम, नीचे ले जाओ। हाँ भाई, ओ सॉरी 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 भाई, ये तो आपने पावर आगे एक कम किया, अब वाई का भी तो करोगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये बनेगा पावर आगे एक कम, सबको उठा के नीचे ले आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर टू ए वाई, ये अपॉन में आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, टू ए वाई अपॉन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, यही है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पे हम बच्चों पॉइंट पुट करेंगे ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, पॉइंट पुट करेंगे टू, एक्स की जगह पे ए एम स्क्वायर का स्क्वायर और टू ए वाई, वाई की जगह पे ए एम का क्या भाई, क्यूब, हाँ जी, तो टू से टू कैंसिल आउट, ए स्क्वायर
एम की पावर 4, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर एम की क्यूब, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एम क्यूब से एम, तो यानी आपका स्लोप जो आया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स एम आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, एम आ गया बच्चों आपका, ठीक है। तो यानी जो हमारा डी ये स्लोप आया वो कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स कितना, ओहो सॉरी 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 बच्चों सॉरी, एक गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे तो 3 था, तो ये तो 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक एम से एक एम, तो ये आएगा 3m/2, कितना आ गया 3m/2। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट। लेकिन हमें तो भाई नॉर्मल के लिए काम करना है ना, तो हम यहां पे जाएंगे, नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम वन इंटू में एम टू बराबर -1। तो भाई एम वन, एम वन, एम वन कौन है, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उठा के वहां ले जाओ एम टू बराबर -1 अपॉन में एम वन, इसको हम एम वन भी लेट कर सकते हैं। तो भाई एम वन की वैल्यू अभी अभी ताजा ताजा क्या निकाली आपने, 3m/2, और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो एम टू बराबर -2/3m, तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, एट द पॉइंट ए एम का स्क्वायर और ए एम का क्यूब, यही है ना, ए एम का स्क्वायर ए एम का क्यूब, ठीक है। क्या है बच्चों, कितना दिया हुआ आपको स्लोप, स्लोप दिया हुआ -2/3m। नाउ नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बच्चों हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो y माइनस में y1, m2 x माइनस में x1, बात खत्म। y अपनी जगह पे y रहेगा, y1 की वैल्यू कितनी है, am का क्यूब, am का क्यूब बराबर m2, m2 की वैल्यू कितनी है, -2/3m, और x माइनस में x1, x1 कितना है, am का स्क्वायर। इस ये इधर डिवाइड कर रहा, वहां जाके क्या करेगा बच्चों, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा कौन, 3m, और ये माइनस का 2x माइनस am का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3y, 3my, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3am/4, अंदर मल्टीप्लाई 2x, अंदर मल्टीप्लाई +2am² ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस का 2x प्लस का हो गया, और प्लस 3am/3 3my, और ये माइनस का 3am/4, और ये इधर आके माइनस का 2am² बराबर 0। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी, ये आपकी इक्वेशन हो गई नॉर्मल की, ठीक है, ये आपकी किसकी इक्वेशन हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, तो आपको करना ही ऐसे है बच्चों हर बार, क्या कि आपको जैसे कोई भी कर्व दिया हुआ है, पहले उसका स्लोप निकालो, वो स्लोप जो होगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है, फिर आपने ये स्लोप निकाल लिया बाहर, ठीक है, फिर क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन निकाल, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद आपके सामने आंसर। नोट कीजिए, चलिए ये खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। चलिए ये भी मैं करा देता हूं आपको, ठीक है, ठीक है, मिटा रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। लाइन भी दे रखी है आपको पैरेलल के लिए इस तरीके से, लेकिन हमें बच्चों इक्वेशन जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है। किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, हाँ जी क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy अपॉन में dx, और ये पावर आगे एक कम प्लस में 2। एक्स तो 1 बन जाएगा, 6 0 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, 3x² + 2। बट नाउ, हाँ जी, लेकिन हमें किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी m2। और क्या होता है ये, 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद आया, या अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया हमने, m1 सॉरी -1 अपॉन में होता है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे सीधा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, 3x² + 2, 3x² + 2, ये आपका स्लोप ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। नाउ द गिवन कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, लाइन विच इज, जो है, हां जी लाइन, लाइन क्या है आपके पास, जो है x x प्लस 14 y प्लस 4 बराबर 0। तो निकाल लो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन बच्चों क्या होता है, जल्दी बता दो, स्लोप ऑफ लाइन होता है -a/b, यानी माइनस का 1 और b कितना, -14। अच्छा बच्चों एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, जल्दी आप नोट कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे जरा, यहाँ देखेंगे, तो हमने ये तो कर लिया, अब उसने क्या बोला है, अब उसने खुद ही बोला है बच्चों, अब उसने खुद ही बोला है कि जो कर्व है ना वो लाइन के पैरेलल है, कर्व जो है वो लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, किस किस के, नॉर्मल के और ये लाइन के। ठीक है, तो सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी सॉरी टेंजेंट नहीं, नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि यही दोनों आपस में पैरेलल हैं तो बराबर होंगे। हाँ जी, तो -1 अपॉन में 3x² + 2, और इसका -1 अपॉन में 14, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो बन जाएगा 3x² + 2 बराबर 14, प्लस का 2 बच्चों वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 2, 3x² ये इधर आ गया 12, 3 से 12 कटेगा 4, तो x² = 4, और स्क्वायर बच्चों वहां पे जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट, और बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अब हमें देखना है कि y की वैल्यू क्या आती है, अब हमें क्या देखना है कि y की वैल्यू क्या आती है, तो क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो देखो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6। तो हाँ जी,
एक्स एक बार क्या पुट करोगे, टू पुट करोगे, तो वाई बन जाएगा वाई बराबर टू का क्यूब, टू प्लस सिक्स, तो ये बन गया वाई बराबर एट, फोर सिक्स तो 14 और ये 18, क्या बन गया 14 और ये 18। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 2 और 18। अच्छा अगला अगला पुट x बराबर माइनस टू, ठीक है, तो क्या बन जाएगा y बराबर माइनस टू का क्यूब, माइनस टू प्लस सिक्स, तो भाई माइनस एट ही बनेगा, माइनस फोर बनेगा प्लस सिक्स, तो ये आएगा माइनस का सिक्स, कितना आएगा सॉल्व होके माइनस का सिक्स। सो द पॉइंट्स आर, सो द पॉइंट्स आर 2 और 18 एंड माइनस टू माइनस सिक्स, ये दो पॉइंट आए बच्चों आपके पास। अब इन दो पॉइंट से आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट से आपको इक्वेशन निकालनी है, किस क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, किसकी, नॉर्मल की। तो बस नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय द पॉइंट 2 18, एक बार इस वाले पॉइंट से y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 18, m m देखो बच्चों आपका असल में m2 ये है, लेकिन इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कहां से निकाल, ये आखिरकार ये इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर दी है इसके, तो क्या मैं इसकी जगह पर अगर ये रख दूं तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, और x माइनस एक्स वन मतलब कितना 18, तो बस ये 14 यहाँ डिवाइड कर रहा हूं वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 14y मल्टीप्लाई में 18 इंटू में 14 बराबर माइनस एक्स माइनस 18, 14y माइनस 14 अट्ठे 112 का 2 और रह गया 11, 14 कम 14 और 11 25, माइनस का एक्स प्लस का 18, माइनस का एक्स इधर आके प्लस 14y माइनस 252, 252 और ये माइनस का 18 प्लस का 18 इधर आके माइनस, तो एक्स प्लस 14y और दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 0 और ये 7 और 2, तो बच्चों ये आ गई आपकी इक्वेशन इस वाले पॉइंट से। अब इसी तरीके से सेम यही पॉइंट इसका यूज करके आप आगे का आंसर निकालो, ठीक है, जल्दी निकालो इसके आगे का आंसर निकालो जल्दी, ठीक है, ये पूरा नोट करो, और नोट करने के बाद मैंने इस वाले पॉइंट से आपको आंसर निकाल के दिखाया है, अब आप इस वाले पॉइंट से इसका आंसर निकाल के दिखाओ, चलो जल्दी करो। चलिए बच्चों ये हो गया होगा, सही बच्चों से ये हो गया होगा, ठीक है, आगे के वो अपने निकाल लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 23 ये मैं और करा देता हूँ बस, इसके बाद सब खत्म, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर भाई आपका टेंजेंट नॉर्मल पूरी तरीके से खत्म। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं करवा दूंगा। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। देख लो बच्चों आपके पास दो कर्व दिए हुए हैं, कट एट द राइट एंगल, कह रहा है कि राइट एंगल पे कट कर रहा है, इफ 8k² = 1, 8k² = 1, इसने ये बोला है बच्चों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इनकी कहानी,
चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले द गिवन कर्व्स आर, ये 23 है लास्ट क्वेश्चन। द गिवन कर्व्स आर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। एक तो ये है, ये आपका पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। नाउ सबसे पहले आप एक्स वाई इज इक्वल टू के ले लीजिए, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, के। अच्छा मुझे बताओ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर, हाँ कि ना? तो क्या मैं एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर रख सकता हूँ? जी बिल्कुल, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पावर हो जाएगी 3। अब ये 3 पावर उठा के उसके ऊपर ले जाओ। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी पावर एक से शिफ्ट होके दूसरे पे जाती है तो 1 के अपॉन में, यानी रेसिप्रोकल हो जाती है पावर। यानी कि अगर ये 3 है तो ये बन जाएगा 1/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब मुझे जल्दी से बता दो, अगर y की वैल्यू 1/3 है तो x की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, पुट करेंगे y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x बराबर क्या आ गया, हाँ जी y स्क्वायर होता है, और x बराबर होगा y की जगह पे k की पावर 1/3 इंटू में 2, तो x बराबर आ जाएगा k की पावर 2/3। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट, ये आ गया आपका क्या बच्चों, ये आ गया आपका पहला पॉइंट। तो हम कहेंगे सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व इज, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा इसे इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों बोला बच्चों हमने, जल्दी बताओ, क्योंकि इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखी तो, और इसकी वैल्यू फिर उठा के इसमें रखेंगे तो भी यही कंडीशन आएगी, इसलिए हमने कहा, क्योंकि देखो ना हमने इसकी वैल्यू उठा के इसके में रख दी, इस वजह से हमारे पास ये पॉइंट मिला। तो इसीलिए हम बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स इज क्या है बच्चों, के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। ये हमारा आ गया बच्चों क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्या करो, चलो अब तो हमें स्लो, अब हमें स्लोप से काम है क्योंकि हमें राइट एंगल प्रूव करना है इसको, तो ठीक है जी। हाँ जी, तो सबसे पहले नाउ स्लोप ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्लोप ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्स तो 1 बन जाएगा, ये पावर आगे 1 कम, dy बाई डी एक्स, 2y यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन बच्चों काम इससे चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है k की पावर 1/3, ठीक है। तो यानी कि जो आपका dy बाई डी एक्स आया वो 1/2 की पावर k 1/3 आया, कितना आया, 1/3 आया, ठीक है जी। ये आपका पहले वाले का स्लोप आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसे m1 भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसे क्या बोल सकते हो, m1। नाउ अब क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, अब हम किस कर्व का स्लोप निकालेंगे, दूसरे वाले का, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है जी, एक्स वाई इज इक्वल टू के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो एक्स और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले का डेरिवेटिव एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, और के तो क्या बन जाएगा, 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 0, प्लस का वाई उधर जाके माइनस, और एक्स यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस वाई, वाई की वैल्यू आपने देख ली के की पावर 1/3, एक्स की वैल्यू के की पावर 2/3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है नीचे वाली पावर बड़ी है ऊपर वाली पावर छोटी है, उठा के नीचे ले आओ, हाँ जी इस पावर को उठा के नीचे ले आएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई प्लस की पावर नीचे आती है तो किसकी बन जाती है, माइनस की बन जाती है। तो बस के की पावर 2/3, के की पावर 2/3 डॉट, नीचे लाएंगे तो के की पावर -1/3 बन जाएगी। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस, नीचे का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 -1/3 तो क्या बनेगा, 1/3। तो लो जी ये m2 भी हमारा क्या आ गया, m2 आ गया हमारा माइनस माइनस 1 अपॉन में के की पावर 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया, हाँ ये हमारा आ गया दूसरे कर्व का स्लोप। अब क्या कह रहा है, इसने बोला क्या है, इसने बोला है
कि ये प्रूव करो कि ये ना दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे कट रहे हैं, ये दोनों के दोनों कर्व कैसे कट रहे हैं, राइट एंगल पे कट रहे हैं। तो ठीक है जी, लो भाई दोनों के दोनों स्लोप है। नाउ स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। अगर बच्चों मुझे इतना बता दो, अगर कोई दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका मल्टीपल ऑलवेज किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है। सही बात, यानी कि पहले स्लोप का कर्व इंटू दूसरे स्लोप का कर्व, पहले कर्व का स्लोप मल्टीप्लाई में दूसरे कर्व का स्लोप बराबर होता है माइनस वन के। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। एम वन कितना है हमारे पास, एम वन हमारे पास है 1/2 k^3 मल्टीप्लाई। हाँ भाई एम टू कितना है हमारे पास, -1/(k^3) बराबर -1। -1 से -1 कट गया, 1/, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर k। हाँ जी बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 + 1/3 2/3, और ये 1/1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2/3 यही होगा भाई। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीपल कर दिया हमने। अब जब क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो हमें आंसर 2 के टर्म में नहीं, हमें आंसर 8 के टर्म में चाहिए। किसके टर्म में चाहिए, 8 के टर्म में। तो 2 से 8 कब ला सकते हैं, क्यूब करके, तो लिखेंगे क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स, तो बस 1 का क्यूब 2k^2 की पावर 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और k की पावर 2/3 की पावर 3, तो 3 से 3 कट गया, तो बच्चा 1 = 8 k^2, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं ये चीज प्रूफ कर पा रहा हूं, अगर मैं ये चीज प्रूफ कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों कर्व आपस में कौन से एंगल पे क्रिएट कर रहे हैं भाई, 90 डिग्री पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको करवा दिए गए हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ट्राई क्या वैसे सारे करा दिए, बस क्वेश्चन नंबर 25 ही दे रहा हूँ करने के लिए। तो सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया है, आपको बस अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार दोबारा समझना चाहो तो समझ लो, दो कर्व हैं, दो कर्व में से मैंने एक कर्व से पॉइंट निकाला, ठीक है, दोनों का हेल्प लेके, फिर मैंने क्या किया, इसका भी स्लोप निकाला, इसका भी स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप निकाल दिया। अब दोनों का स्लोप निकालने के बाद मैंने क्या देखा कि भाई इसे 90 डिग्री पे प्रूफ करना है, और 90 डिग्री कब प्रूफ होगा, जब दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 हो। तो दोनों के स्लोप को मल्टीपल करके दोनों का क्यूब कर दिया, आंसर मेरे सामने, कोई दिक्कत बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज अपना टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अप्रोक्सीमेशन आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन मैं मैक्सिमम मिनिमम आपको जरूर करवाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।